जय श्री राम दोस्तों। अभी हम जो मधुबनी का मेन मार्केट है और काली माता का मंदिर है यहाँ, जो चौक है उधर जाता है और ये जो जाता है इस साइड ये मंदिर जाता है और ये बीडी झा है देखिए। और हम लोग मंदिर का दर्शन कर चुके हैं, मंदिर का दर्शन, एक दोस्त आ रहा है बीडी का तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आएंगे। और दोस्त और गाड़ी लेके कोई गया है जो मेन यही मंदिर का रहता है, मंदिर में भैया लाते हैं। और ये देखिए एक नव दुर्गा पूजन समिति वाला मंदिर है, कामेश्वर सिंह, तो कामेश्वर सिंह मंदिर है। और हमने ये भी खा लिए, जो तालाब है इसको क्षीर सागर बोलते हैं, यहाँ बड़ा सा तालाब है इसको क्षीर सागर बोलते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये थोड़ा सा ये मंदिर, ये अली मंदिर यही है। चलिए बने रहिएगा, हम अपडेट देते रहेंगे, अपडेट टू अपडेट। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सब है, ये इनका नाम जो है बाबू लोहार है, ये सब मिलने आए हुए हैं, देख सकते हैं। ये देखिए इतने लड़के हैं शाम को सभी लोग। क्या नाम है? मोनू। मोनू, अभी मोनू बता रहा है। फेमस बाबू लोहार के नाम से है ना। और ये बाबा बैजनाथ धाम जी हमारे यहाँ पधार लिए हैं, देखिए। किसका नाम बैजनाथ है? बैजनाथ नाम है, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग मिलने आए हुए हैं यहाँ से तो। और ये लोग पूछ रहे थे आपका क्या नाम है? सिद्धू। नहीं, इसका नाम है बबुआ भाई। बबुआ भाई, मतलब सब बोलते हैं बबुआ भाई, प्यार से बबुआ बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से बबुआ, मतलब वो गोद में खेलने वाला। हाँ, कोई भी कुछ भी बोले। इनका नाम पता है आपको? भद्दा। भद्दा, भद्दा मतलब सबसे अलग। ये लोग मिलने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो जाओ और कुछ बोलना चाहोगे यात्रा के बारे में? पूछ रहे थे लिए जाएंगे केदारनाथ, बोल रहे थे हम लोग भी सुबह इसे बात करवाएंगे। अच्छा रहता है, साइकिल से जाओ पैदल जाओ ज्यादा तो अच्छा, साइकिल ही अच्छा है, बेहतर है। पैदल भी जा सकते हो, केदारनाथ तरफ जाओगे तो बहुत उधर ले जाना पड़ेगा। उधर का रास्ता टफ है तो पैदल से नहीं, साइकिल बेहतर रहता है। हरिद्वार के बाद में चढ़ाई है, बहुत सारे चढ़ाई तो है लेकिन साइकिल थोड़ा बेहतर है। सामान ले जाना पड़ेगा ना इनको, खाने पीने के लिए तो गैस फैंस ले जाने पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। ये बच्चे बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, देखिए इनको। और चाय वहाँ पर बन रहा है, देखिए चाय बन रहा है, ये हल्ला कर रहे हैं। हल्ला क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या नाम है? रुंझू कुमारी। चाय बन रहा है उधर, चाय अभी पियेंगे। और ये पूरा अंदर का है पूरा, ये देखिए पूरा अंदर का है। ये देखिए अभी पहुंच चुके हैं, ये देखिए पूरा घर है ये। और बच्चे भी ये खेल रहे, ये तो सभी लोग यहीं के हो जी? सब लोग इतने बच्चे। देखिए मम्मी जी हैं, अभी बात किए, बोले कि मम्मी मिले तो मैं बोला हाँ गए, अभी बाहर उधर गए हैं, 5-6 किलोमीटर लगता है, 10 किलोमीटर ये घर है। यहाँ पर ये हाईवे इधर इस साइड से वो रोड उधर जाती है, हम लोग इस साइड से आए हैं तो ये पूरा घर है। पानी वगैरह ही कर रहे हैं, उधर बारिश भी हल्का, हरियाणा साइड भी लगाया था, एक दोस्त रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चलिए अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए। वीडियो देखिए, मेरा साइकिल है और ये उसी का साइकिल था, इसी साइकिल में गया था, ये झंडा भी लगा हुआ है, ये देखिए इसी साइकिल में गया था। तो यहीं बैठते हैं, पानी ला रहे हैं मम्मी जी। ओके, रहने दीजिए पानी वगैरह, देखिए पानी वगैरह लिया है, आप भी लेते हैं। भैया मिल गए, देखिए इनका नाम क्या नाम है आपका? शंकर भैया हैं और उन्हीं के मित्र हैं बंसीधर भैया के, ये बच्चे भी हैं। यहाँ शादी है क्या? नहीं, मित्र हो गए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दसगात। हाँ तो चलिए भैया मिल गए हैं, आप साथ में जाएंगे। रुको यार, जाने दो, अरे अरे अरे, देखिए
ठीक है भैया, सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि थोड़ा सा मेरा लोकेशन बंद हो जाता है, पता नहीं है ना, तो इसलिए लोकेशन भेजा था, खुल नहीं रहा। हाँ तो चल रहे हैं ये भैया, देखिए साथ में अभी पहुँच जाएंगे। हाँ देखिए सब लोग आ रहे हैं, वो लोग भैया लोग उधर जा रहे हैं, देखिए उस साइड जा रहे हैं, हम लोग अब जाएंगे और शायद दो घंटे बाद। कहाँ हैं बोल रहे थे? नागदा। अरे नहीं नहीं ये तो नागदा है। लेकिन हाँ वो दूसरे गांव में है, ब्रह्मपुरा। हाँ ब्रह्मपुरा गए हैं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है अभी। कितना? 7-8 किलोमीटर। अच्छा 6-7 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुरा। कथा वगैरह सुनाने है ना, पिताजी के साथ हैं बोल रहे थे। हाँ तो गए हैं और अभी पहुँच जाएंगे। देखिए ये हाईवे है, रोड अच्छा है, इसी रोड पे आना था, बट उधर से थोड़ा सा अंदर से घुस गया था, प्रॉब्लम था। ठीक है अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद थोड़ा सा वो है नहीं, यहाँ तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये दिलीप भैया का घर है, वो नहार रहे हैं उधर दिलीप भैया, तो बोले कि चलो हम छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने जा रहे हैं, अभी छोड़ देंगे भैया। तो दिक्कत हो रहा था क्योंकि अभी अंधेरा भी होने वाला है, बट देखते हैं पहुँच जाएँगे। अभी थोड़ा सा ही आगे है, देख सकते हैं ये पूरे घर दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा ही आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए भैया आ रहे हैं, देखिए ये देखिए आ रहे हैं घर से, हेल्प कर देते हैं थोड़ा भाई को। चलिए चलिए तो चल रहे हैं और अभी पहुंच जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट ही लगेगा ना अभी। तो गाड़ी से जा रहे हैं, देखिए धीरे चलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कहाँ आए हैं, ये एक तालाब है, ये देखिए पूरा आम का बगीचा है। हम फ्रेश होने जा रहे हैं, वो बंसीधर पीछे है उस साइड, और ये भैया आ रहे हैं साथ में, ही गांव के हैं, तो फ्रेश हो लेंगे, इसके बाद फिर नहाएंगे जाके, क्योंकि गांव है ना, गांव ये बिहार है, बिहार में एंट्री कर चुके हैं, कल आ गया था, तो बंसीधर के यहाँ रुके हुए हैं। और अभी यहाँ ये जो पूरा जगह है देख सकते हैं, ये बगीचा है, तो यहाँ फ्रेश वगैरह लोग होते हैं। और अभी बाटल भैया पानी नहीं है, पानी तो कैसे इधर, तो कैसे सोच करेंगे? ये पानी इधर ऐसा ही रहता है। नहीं तो यार फिर कहाँ, जगह तो नहीं है बैठने सोच करने का। ये उधर है ना, उधर आप बैठ सकते हैं, इधर इस बाटे यहाँ नीचे जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये रास्ता है देखिए, यहाँ पर ऐसे ही है पतली गली। अरे बाटल मिल जाता तो दिक्कत नहीं था, बाटल नहीं लाए। और चलिए थोड़ा सा उधर सोच करते हैं, लेटरिंग वगैरह होंगे इसके बाद फिर ऐसे पूरा। ये देखो बगीचा है पूरा, इधर बंसी इधर उधर नंबर लगा रहा ये पूरा, अरे बाप रे। तो दोस्तों नहा धो के कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं पूरा नहा दिया। हाँ नहा दिया, देखो अभी निकल रहा है नीचे, अभी नहाया नहीं है, ब्रश वगैरह कर लिया है वो भी, और नहा लिया हूँ, कंप्लीट हो गया। अब खाना पीना मिलेगा, खाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा जाना है घूमने, इधर माता जी का मंदिर है और बहुत जगह है यहाँ घूमने के लिए, तो जाएंगे घूमने के लिए साथ में। धूप वगैरह अभी थोड़ा सा निकल रहा है, बादल हल्का तो आज चला गया, कोहरा था तो बादल तो हट गए, धूप निकल रहा है धीरे धीरे। तो चलिए अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा।